जी मध्य दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, सुबह के लगभग 5:30 का टाइम हो रहा है और आज है दिन मंडे गाइज। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बच्चों के लिए मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है। तो बच्चों के लिए नहीं, मैंने अपने लिए, सुरभि के लिए और लबके पापा के लिए, मैम तीनों के लिए दूध बॉईल करने रख दिया। इसमें अदरक वगैरह डाल दूंगी, उसके बाद लबके पापा के लिए निकाल के रख देती हूँ अदरक वाला दूध। और लब तो अपनी दादी के पास से पीक कर आता है, और सुरभि के मैं अपने में मैं थोड़ी पत्ती डाल दूंगी। तो यहाँ पे गाइज मतलब एक साइड में तो मैंने मतलब दाल चढ़ा दी है, तो यहाँ पे सांभर बन रहा है, और दूसरी साइड में मैंने इडली का पेस्ट तैयार कर दिया है। तो जिसमें ना मैंने ना मेरे पास दही रखा हुआ था, लबके पापा लेकर आए थे, डेयरी से भी लेकर आए थे, और कुछ मेरे पास दही मैंने रखा हुआ था, तो खट्टा ही था मतलब कहने का था। तो मैंने कहा इडली है ना अच्छी बन जाएंगी। तो यहाँ पे गाइज लबके पापा ये कद्दू भी लेकर आए थे, और गाइज लौकी भी, और काफ़ी अच्छा कद्दू है ये, एकदम छोटू सा है। और इसमें जो चक्कू लग रहा था ना, तो वो मैंने नाइट में लब से लगवा दिया था, मैंने कहा लगवा दिया था कि ताकि सुबह मेरे को पता है कि मेरे को कद्दू डाल मतलब बच्चों को वो देनी है, मुझे इडली सांभर देनी है। और अभी किसी को पता नहीं था कि मैं इडली सांभर बना रही हूँ, मैंने बच्चों को बताया नहीं था। तो लंच में बच्चों को देना स्कूल के लिए भी और अपने लिए भी हो जाए, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे गाइस मतलब कद्दू इतना मतलब एकदम कच्चा था और एकदम सॉफ्ट था, लौकी भी एकदम कच्ची थी, मतलब अच्छी थी, मतलब ये थी, और काटने में ज़रा भी दिक्कत नहीं। वैसे अधिकतर तो ये होता है गाइस मतलब कि थोड़ा सा टाइट वाइट भी होता है कद्दू, ऐसा नहीं है, और लौकी भी, लेकिन ये एकदम चोइया थी। हम लोगों की ब्रजभाषा में चोइया बोलते हैं, जो सब्जी है ना एकदम सॉफ्ट होती है ना, तो उसे चोइया बोलती हैं। तो मैं आधा ही लिया था, मैंने वैसे तो छोटू सा था ये, मेरे को पूरा ही डालना चाहिए था, लेकिन मैंने आधा डाला था। और एक ही लौकी डालूंगी और एक लौकी मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरे को है ना बनाना था लौकी का रायता बनाना था, मैं आपको बताऊँ तो एक लौकी उठा के रख दूँगी। और बाकी है ना यहाँ पे है ना मतलब जो दाल है ना, जब दाल हो जाएगी ना, वैसे मसूर की दाल तो हाल हो जाती है, इसीलिए मैंने मसूर की रखी है, वरना मैंने इसमें ना चने की भी रख सकती थी, और क्या मैं भूल जाती हूँ, वॉइस ओवर करते करते, अरहर की दाल तो वो भी मैं डाल सकती थी। लेकिन आपको मैं बताऊँ, मैं अरहर की और चने की मैंने ऐड नहीं की है, वैसे उससे टेस्ट आ जाता है गाइज, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए कुकर में मेरी सीटी नहीं है ना, मेरी सीटी है ना, मैं आपको बताऊँ कि जो मेरी सिंक है ना उसमें चली गई है, उसकी जो नाली है ना उसमें चली गई है। और अब तो अब कुकर में जो कुछ भी बनता है बिना सीटी के ही, सीटी लगती नहीं है उसमें, ऐसे ही बनता है। और यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ना अलमारी में, इस लोटे में मैं जो नाइट में दही जमाती हूँ ना, वो दही है जो कि सुबह ठाकुर जी का भोग लगता है। और ये जो ब्लू वाली जो आपको फाइल दिख रही होगी ना, तो ये मैंने बच्चों से अलग से मंगा रखी है लबके पापा से, क्योंकि जैसे लंच बॉक्स में है ना, जैसे टिश्यू पेपर वगैरह लगाते हैं ना, उसकी जगह में ये जो इसका पेपर है ना गाइस इतना बढ़िया है कि इसमें रोटी है ना ज़रा भी है ना आपकी ख़राब नहीं होती, वैसे की वैसी रहती है, काफ़ी मोटा है और काफ़ी मतलब इसका कागज़ बहुत अच्छा है गाइस, मैं आपको बताऊँ तो। यहाँ पर बस मतलब वही मैं यूज़ करती हूँ जो भी बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पैक करना होता है मम्मी के लिए। और यहाँ पे बस दाल में तड़का लगा दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया था गाइस, मैं बताऊँगी इसमें मैंने, मेरे पास सांभर मसाला तो था नहीं, लेकिन मैं इसमें ना मेथी दाना डाला था, राई डाल दी थी, और ऊपर से मैंने लाल मिर्ची है ना और कश्मीरी मिर्ची डाल दी थी तड़के में, क्या बोलती हूँ यार, तड़के में डाल दी थी। तो गाइज मैं आपको बताऊँ कि दाल में मैंने ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं किए थे, सादा सिंपल सी बनाई थी, कद्दू और लौकी डाल दी थी, बाकी ना ये तड़का लगा दिया था, मिर्ची बहुत कम डाली थी, क्योंकि मैंने कहा बच्चे खा कर भी जाएंगे और स्कूल में भी ले जाएंगे, तो फिर मैंने बच्चों की है ना तेज़ मिर्ची तो होनी बिल्कुल नहीं चाहिए, और मेरे बच्चे तो वैसे भी खाते नहीं है मिर्ची ज़्यादा तेज़, तो और विशेषकर लव को तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं बनाऊं और उसमें मिर्ची ज़रा भी तेज़ हो जाए तो फिर बच्चा खा के नहीं जाए। तो हमारी इडली एकदम बढ़िया तैयार हो गई है गाइस, और अब मैं लब के सुरभि के दोनों के लंच बॉक्स में पैक कर दूंगी, और इसके बाद सारा किचन का काम, बर्तन वगैरह सब कर लिए थे गाइस। और यहाँ फिर मैं आ गई थी पार्लर में गाइस, और अभी मैं नहाई नहीं थी, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मेरे को आज पार्लर की डस्टिंग करनी है, क्योंकि वो मुझे इसीलिए मेरे माइंड में था, वरना मैं सुबह ही नहा लेती, लेकिन मेरे को नहीं नहाना था, क्योंकि है ना मैं बताऊँ कि गाइस पार्लर में इतना काम निकलता है कि अगर मेरा मानना ये है कि करवा चौथ से पहले मैं पार्लर की पूरी क्लीनिंग हो जाए मेरी, आज मैंने डस्टिंग इसकी पूरी कर दी थी, और एक दिन क्लीनिंग में पूरा हो जाएगा, और एक दिन जितनी भी अंदर के जो फर्नीचर है वो सारा निकाल के,
मतलब एक दिन है ना पूरा अंदर से सामान निकाल के फिर करूँगी तो इस तरह से। और फिर एक दिन जितने भी पार्लर के अपने कपड़े होते हैं जो भी, वो सारे वॉश करने होंगे। तो मैं अपने पार्लर का काम खुद से ही करती हूँ। तो मेरे लिए गाइस आपको सच बताऊँ, एकदम दीपावली के दिन तक मेरे को है ना अपने घर के सारे काम करती रहती हूँ, सफाई में लगी रहती हूँ। हाँ लेकिन ये कि दीपावली तक सारा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ तक पूरे पार्लर की क्लीनिंग हो जाए। वैसे तो ये है कि मैंने पिछली बार भी है ना करवा चौथ की क्लीनिंग है ना, करवा चौथ की क्लीनिंग नहीं मतलब पार्लर की क्लीनिंग मैंने करवा चौथ तक कर दी थी, तो इस बार भी मेरा यही है। तो यहाँ पे जितने भी जो अलमारी है ना वो सब निकाल दूंगी। और यहाँ पे गाइस मुझे छिपकली से डर लग रहा है, तो इसलिए ये बस सबसे बड़ा रहता है मेरे को सफाई करने में, कि बस अलमारियों को ये खोलो, खोलने में मेरे को डर लगता है कहीं छिपकली ना निकल जाए। और अक्सर ऐसा होता है गाइस निकल भी आती हैं, तो छिपकली से तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि बस जो फालतू वालतू सामान है वो सारा निकालूंगी, सारा निकाल के रख दूंगी। क्योंकि लव के पापा गाइस मैं बताऊँ, मैं फालतू सामान होता है वो मैं फेंक देती हूँ, मेरा मेरा है हटा देती हूँ, कहने का मतलब ये। और लव के पापा फालतू सामान को बिल्कुल नहीं फेंकने देते हैं, वो फालतू सामान को रख लेते हैं। और सच बताऊँ वो रिको में ही रख देते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं तो वो रिको में रख देते हैं, लेकिन वो फेंकते नहीं है। और गाइस मैं बताऊँ कि वो सामान कभी ना कभी यूज़ हो भी जाता है, और वो बोलते हैं कि अगर जो चीज़ हम आज जो चीज़ हमें ना कचरा समझ के फेंक देते हैं ना, वो चीज़ अगर मार्केट से लेने जाओगे ना तो वही तुम्हें दुगने भाव में मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है, काम नहीं आती है तो काम आ जाती है। लव के पापा की अपनी विचार है गाइस बताऊँ, लेकिन मेरे को है ना जो फालतू सामान होता है मैं नहीं रखती, क्योंकि आपको पता ही है। तो गाइस पार्लर की पूरी डस्टिंग कर दी है, अलमारियों सारी अलमारियों में से सामान मैंने निकाल दिया। लव सुरभि के इतने सारे 3 बैग मतलब इतने बड़े बड़े बैग बुकों के बच्चों ने रख दिए थे उसी में, उससे है ना पूरी अलमारियां भर रही थी। अब उनको है ना हॉल में पहुंचाऊंगी, बस आलस के मारे रह जाते हैं बच्चे। अलमारी में से पूरा सामान निकाला, जो सारा सामान है ना बस फालतू है, उससे काम बढ़ जाता है। अब रह गया मेरा पार्लर का क्लीनिंग रह गई है, आज है ना डस्टिंग पूरी कर दी मैंने। अब मेरे को 12 बज गए गाइज, मैं बताऊँ अभी मेरी पूजा हुई नहीं, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, चाय पी ली है मैंने, मैं थक गई गाइज। अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से नहाया हूँ, नहा के आती हूँ, पूजा करूँगी। पूजा करने में भी टाइम लगेगा मेरे को, मंडे है आज, बेडशीट वगैरह अगर इसको है ना साफ करने में लगी ना पलंग को, फिर नहीं फ्री हो रही। सुरभि आएगी 1 बजे तक, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मेरी पूजा हो जाए। इस कमरे की भी सच बात बताऊँगा, इस कमरे का मैंने मतलब झाड़ू तो लगी थी, मैंने पोछा नहीं लगाया था इसका, क्योंकि झाड़ू लगा के मैं सीधा है ना किचन में उनका इडली सांभर बनाने लग गई, बच्चों की डिमांड रहती है, मैंने कहा बना दे रही हूँ। लव के पापा भी खा गए और वो अपने काम से किसी गए हैं, अब बच्चों के लिए बना के रख दिया है। अब पूजा करने के बाद ठाकुर जी के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, दही से लगा दूंगी, वो हिम्मत हुई मेरे में। वैसे मैं आज ये सोच रही हूँ कि जो मेरा न्यू वाला तवा है ना उसमें ठाकुर जी के लिए एक चीला बना दूँ, मैं ये सोच रही हूँ गाइस, लेकिन अगर हिम्मत हुई तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो गाइस टाइम की मुझे पता नहीं, लव 1:44 1:45 का टाइम हो रहा है। अब मेरी पूजा हो गई है, अभी मुझे जल चढ़ा के आना है तुलसा माता पे, सूर्य भगवान पे। आज से लेट तो अब होगा क्योंकि है ना दीपावली की सारी क्लीनिंग चली गई, तो लेट तो होने तो अब वो कोई पर ये है कि अभी मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ठाकुर जी की पूजा के बाद ही खाती हूँ। तो यहाँ पे ये बताइए गाइस, ये है ना ये तवा है ना मिट्टी वाला, इस तवे पे मैं बनाने चीला बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी का, ये उन्हीं की इच्छा थी। और यहाँ पे मैंने सूजी और आटे का पेस्ट, यहाँ पे ये इसका है ना मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है सूजी का और आटे का, और इसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी है। और अभी है ना ये मैंने दोबारा से वॉश कर लिया है, और अभी मैं जल चढ़ाने के बाद में
तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैंने ना जो ठाकुर जी के लिए चीला सेकूंगी, तो दो चीले बने थे। एक तो मैंने नाइट में बनाया था गाइज, मतलब डिनर में बना दिया था, रख दिया उठा के, क्योंकि देर हो गई थी ना बहुत। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि घी भी बना दिया था, क्योंकि मंडे है तो आज घी भी बना दिया था। पूजा मैंने ना इसी वाले घी से की थी, बन गया था ठाकुर जी की। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि चीला भी मैं इसी घी से बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने तवे को अच्छी तरह से मतलब वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं ये शुद्ध घी डाल दूँगी इसमें। और गाइज मैं बताऊँगी कि ये शुद्ध घी है ना बहुत सारा पी गया था, मतलब तवा मिट्टी का है तो पी गया था। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मेरे को तवे को पहले गला नहीं रखना चाहिए था पानी में, मैं आपको बता दूँ मैंने तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि चीला मतलब बन तो जाएगा गाइज, लेकिन है ना उसको है ना निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं बताऊँ ये तवा है ना मिट्टी है ना उसे खींच रही थी, नीचे की तरफ खींच रही थी मैं बताऊँ, तो वो निकल नहीं रहा था। वैसे निकल तो गया था लेकिन चिपक रहा था वो। और यहाँ क्योंकि है ना वैसे भी पहला डालो आप तो वो चिपकता तो है ही, और मिट्टी का था ये, बन तो आसानी से गया था। लेकिन मैं बताऊँगा इसकी इसमें ना एक तो ये आटे की मिट्टी की महक आ रही, मतलब आ रही थी एक सौंधी सी खुशबू, और प्लस घी का और चीनी का तो था, मतलब चीला बन रहा था तो उसकी जो खुशबू थी ना गाइस इतनी बढ़िया लग रही थी, शुद्ध घी था आपका और ऊपर से ना उसमें चीनी वगैरह ऐड थी और मिट्टी का बर्तन, तो महक हो रही थी, बहुत अच्छी महक हो रही थी। लेकिन बस यही था कि चीले को है ना बस निकालने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि है ना ये खींच रहा था नीचे की साइड में। पर यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि ठाकुर जी का मेरा ये था कि जब नया बर्तन आया तो मेरा ये था, मिट्टी का हो चाहे कैसा भी हो मेरा तो यही रहता है कि पहले मैं भगवान जी का ही भोग लगा, मतलब कुछ भी चीज़ हो पहले भगवान के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि ठाकुर जी के लिए मतलब तवे पे न्यू जो तवा था ना उस पर चीला बना दिया था, जैसा भी बना था पर बना दिया था। और इसके बाद गैस मैं बताऊँ कि उसके बाद बस फिर मैंने गैस बंद कर दी थी, बस ठाकुर जी का भोग मतलब लगा दिया था। और अब तक गाइज लगभग है ना काफ़ी टाइम, तो गाइज अब मेरा खाना हो रहा है, बहुत लेट हो जाओ तो भाई आप भी खा लीजिए। इडली सांभर जो सुबह बनाया था ना बच्चों के लिए, यही लंच हो गया है। और ठाकुर जी के लिए मैंने चीला बना दिया, जो कि चीला है ना बस बन गया है। और नहीं दे रहा, शांत हो जा, गिर जा रहा उसका बच्चा, बार बार गिर जा रहा है। फिर गाइज मैं बताऊँ कि हम एकदम धीरे से चुपचाप से ना मतलब लब से मैंने बोला लब कैमरा ऑन कर दे, ये देखिए बच्चा बार बार गिर रहा है, उसकी डिलीवरी हुई थी मतलब चुईया की, तो बच्चा बार बार वो उठा के ले जा रही थी, लेकिन वो है ना बार बार गिर जा रहा था। वहाँ जो उसने हमारे जो मंदिर के नीचे मैंने आपको दिखाया ना, उसने एक है ना मतलब होल कर लिया है, उसमें ये चूहे घुस जाते हैं, तो वही अभी हमें ठीक करना दी। शाम को जो चूह रख गया गाइस मैं बताऊँ, और ये देखिए यहाँ पे हमारे झंझुटी इशू हुई दिखा दिए हैं जी, ये देखिए वो दिखा, ये मोदर पंखे की हवा लग रही ना तुम्हें यार, ये देखिए गाइस बताऊँ कि होते तो बच्चों के जलाने करने का काम बच्चों को होता है, लेकिन माओ को करना पड़ रहा है। हम तो अपने झंझुटी इशू इतना मतलब शौक था हमें अपने जेनिटेशन से खेलने का कि हम खुद जलाते थे दीपक उनका, मतलब अभी मैं ठंडा पानी लेके आई, एकदम चिल्ड वाला दिख रहा होगा ना आपको भाई, ये देखिए एकदम चिल्ड पानी लेके आई, बहुत जोर की प्यास लग रही है, पानी पीती हूँ पहले। लपड़ी बाबा डांटते हैं कि ठंडा पानी रखना बंद कर दे, लेकिन मेरे को पीने की आदत पड़ गई है, पूरे दिन पानी नहीं पिया गाइस मैंने, और अब एकदम प्यास लग, अब सर्दियों में तो ऐसे ही लगा करेगी, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीऊंगी, और फिर जब लगती है तो
तो गाइस किस किस ने जेनू टीसू खेले हैं अपने बचपन में, किसने खेले हैं? मैंने तो खेले हैं गाइस, और बहुत खेले हैं, बहुत शौक से खेले हैं। मेरे पड़ोस के बच्चे थे, उनके सभी बच्चे एक दूसरे के घरों में जाते थे और पैसे लेके आते थे गाइस। वो दिन भी याद आते हैं गाइस। जेनू टीसू खेलने का भी अपना एक अलग मजा था गाइस। आजकल तो सच बात बताऊं वो सब, अब जेनू टीसू आई है घर में, लेकिन ना ही तो बच्चों को उस टाइम जैसे खेले जाते थे वो सब चीजें पता है, ना ही अब कोई ऐसे खेलता है, बस जला के माँ रख देती है वो रखे हुए, बच्चों को उतना पता नहीं हो। क्योंकि पहले तो बच्चे इस टाइम से तो बच्चे है ना शाम के 7 बजे 6 बजे से ही लेके निकल जाते थे, और है ना सब पूरी जो भी आखिरी गली मोहल्ला होता था पूरे उसमें जाते मतलब जाते थे। तो मेरे को अपना पता है, मेरे को अपने भाई की तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे को अपना पता है। मैं और मेरी कजन थी पुष्पा, और मैं और वो दोनों जाते थे गाइस। बहुत मजा आता था। और जिस घर से है ना चवन्नी या अठन्नी मिल जाती थी ना, इतनी खुशी होती थी। आज के लिए पता है गाइस इन चीजों को ऐसा समझा जाएगा कि गलत उससे, लेकिन वाकई में जेंजी टिश्यू ये भी एक खेल होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि जब जेंजी टिश्यू आते हैं तो समझो हमारे घर में खुशियां आ गई, हमारे घर में अब शादियां शुरू हुई। हाँ ऐसा लगता है कि जेंजी टिश्यू आ गए। और जब छोटा बच्चा आता है तो अगर बेटी है तो जेंजी आएगी उसके लिए उसके नाम की, और बेटा है तो टिश्यू आएगा उसके नाम का, और खुशी से लाते हैं घर वाले। तो गाइस मैं बताऊं तो गाइस वीडियो का एंड करूंगी और यही कहूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब शाम का टाइम हो रहा है, तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।